Good morning, students. Welcome to the class. Today's topics are process and steps in sand molding. चलिए शुरू करते हैं. Process and steps in sand molding. तो there are following processes that should be followed in making of sand molding. Sand molding शुरू से लेके मतलब एंड तक बनाने के लिए जो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है सैंड कास्टिंग बनाने के लिए, उसको हम देखेंगे, चर्चा करेंगे. तो एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है. तो चलिए क्या क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, पैटर्न मेकिंग. सबसे पहले जो काम बनता है एक मोल्डर का, जो मोल्ड तैयार करता है या फिर पैटर्न मेकर या जो कास्टिंग करता है मोल्डर, ठीक है, तो उसको पैटर्न सबसे पहले बनाना होता है. पैटर्न जिसके ऊपर आधार है कैविटी कैसा बनेगा, मोल्ड कैसा बनेगा. तो पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेक करना है. तो दिस इज अ फिगर ऑफ पैटर्न, यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि पैटर्न देखिए, उसको डिस्कस्ड हो चुका है इससे पहले कि वन सिंगल पीस और सॉलिड पीस पैटर्न है, ठीक है, स्प्लिट पैटर्न है, ठीक है, मैच प्लेट पैटर्न है और कोप एंड ड्रैग पैटर्न है. तो बेसिकली जो यूज होता है स्प्लिट पैटर्न यूज किया जाता है, ठीक है, और आपका कोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा यूजेबल पैटर्न यही है, ठीक है. मैच प्लेन पैटर्न भी यूज किया जाता है जो कि हाई प्रोडक्शन रेट के लिए यूज किया जाता है. सैंड कास्टिंग के लिए बेसिकली ये दो, ये एक और ये एक यूज किया जाता है. ओके, तो ये सबसे पहले आपका जरूरी है, पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा. पैटर्न बनाएंगे तभी जाकर आप कैविटी के बारे में आपको आइडिया आएगा, हाँ कैविटी कैसा होगा, नहीं होगा, मोल्ड कैसे बनाना होगा, नहीं होगा. ओके, उसके बाद देखेंगे मेकिंग मोल्डिंग बॉक्स, मेकिंग ऑफ मोल्ड बॉक्स और मोल्डिंग बॉक्स और फ्लास्क, ठीक है. तो क्या क्या है, मेकिंग ऑफ मोल्डिंग बॉक्स और फ्लास्क. तो पैटर्न तो बनना मतलब बन गया होगा, ठीक है, अब बनाना हो गया है. तो उसके बाद जो बना उसके काम पर आपका रहता है वो है, जो मोल्डर का काम रहता है वो है आपका मोल्ड बॉक्स तैयार करना, जिसपे सैंड को रैम करने के बाद उसमें कैविटी फॉर्म किया जाएगा. तो बेसिकली यही आपका मोल्ड बॉक्स ऐसे आपको यह किया जाता है, इस टाइप का मोल्ड बॉक्स आपको तैयार किया करना होता है. जैसे कोप देख पा रहे हैं, कोप पार्ट एंड ड्रैग पार्ट, ड्रैग पार्ट नीचे रहता है एंड कोप पार्ट अपर पोर्शन रहता है. और अगर पैटर्न अगर ज्यादा हाइटेड हो, मतलब हाइट ज्यादा उसका हो या फिर लंबा हो, तो बीच में एक पार्ट दिया जाता है जिसको बोलेंगे चीक पार्ट, ठीक है. तो ये हो गया आपका मोल्ड बॉक्स, और फ्लास्क भी बोलेंगे इसको, वुडन फ्लास्क भी है उसको, आपका स्नैप टाइप फ्लास्क भी है, बॉक्स टाइप फ्लास्क भी है, वुडन बॉक्स टाइप फ्लास्क भी है, ठीक है. तो ये आफ्टर मेकिंग ऑफ पैटर्न यू शुड मेक द मोल्ड बॉक्स और फ्लास्क. ओके, तो उसमें अगर ये बनाएंगे तभी जाकर आप सैंड को रैम्प कर पाएंगे अंदर में, ठीक है, इनर एरिया में, इनर सरफेस में आपको सैंड को रैम्प कर पाएंगे. तो ये हो गया मोल्डिंग बॉक्स. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सैंड प्रिपेयर. जो सैंड को आप रैम करने जाएंगे इसमें कुछ प्रोसेसेस है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किए क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं उतना. मेकिंग ऑफ मोल्ड बॉक्स में टाइप ऑफ मोल्ड बॉक्स आप देख लीजिएगा वर्क बुक से, और इस यहाँ पे तो टाइप नहीं दिया, लेकिन कैसे मोल्ड बॉक्स होता है और मोल्ड बॉक्स बनाना मतलब कितना जरूरी है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं. और उसके बाद अभी जो सबसे जरूरी है वो कि सैंड प्रिपेरेशन, क्योंकि सैंड के ऊपर ही आधार है मोल्ड आपका कास्टिंग कैसे रहेगा, उसका सरफेस कैसे रहेगा, उसका उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह आएगा कि नहीं आएगा. क्योंकि सैंड अगर बराबर प्रिपेयर नहीं है तो आप कास्टिंग में दिक्कत हो सकता है. तो एट फर्स्ट हाउ टू प्रिपेयर योर सैंड वो हम देख लेते हैं, ठीक है. प्रिपेरेशन ऑफ सैंड इंक्लूड्स मिक्सिंग ऑफ सैंड, टेम्परिंग ऑफ सैंड एंड सैंड कंडीशनिंग. ये तीन चीज से सैंड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. सैंड प्रिपेरेशन के बाद जाएंगे सैंड टेस्टिंग में. तो सबसे पहले सैंड प्रिपेरेशन देख लेते हैं. मिक्सिंग ऑफ सैंड क्या है, फाउंड्री सैंड आर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू द कास्टिंग प्रोसेस, सो इट्स रिक्वायर्ड टू मिक्स अप द सैंड विथ अदर एडिटिव्स टू गेन द प्रॉपर्टी गुडनेस, हाई क्वालिटी बॉन्डिंग, एडहेसिव स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी एटसेट्रा. सैंड इज मिक्सड अप विथ कोल डस्ट, सिलिका सैंड, बाइंडर्स, क्ले, लाइम, काउडंग, मैग्नीशिया, पोटास एटसेट्रा. और भी कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कि जिसमें सैंड में मिलाकर मोल्डिंग सैंड में मिलाकर उसको एक गुड क्वालिटी के हिसाब से बनाया जाता है, क्वालिटी उसमें मिल जाता है, एक एडहेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आ जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी आ जाता है, बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाता है.
जिसमें क्या होता है मिक्सिंग ऑफ सैंड बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं ऐड करेंगे एडिटिव्स तो नॉर्मल सैंड यूज करेंगे तो क्या होगा ना, वो बिखर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है एट द टाइम ऑफ मोल्टन मेटल को पोर करने समय, ठीक है, और जल इजीली वो जल सकता है। तो बहुत कुछ चीजें, और बेकिंग सैंड भी होता है, ड्राई सैंड भी होता है, आपका फेसिंग सैंड होता है, ठीक है, बहुत सारा सैंड जो है आपको यूज करना होगा मोल्ड जब बनाना होता है, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इससे पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत रिपीट करके करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सैंड टेम्परिंग। सैंड टेम्परिंग जो है सेकेंड पॉइंट, बहुत बहुत जरूरी है। इसमें आपको देखना होता है कि सैंड में मेरा कितना वेट, सैंड की मतलब मेरा कितना वेट है, मोल्ड सैंड कितना वेट है और कितना ड्राई है। अगर ड्राई ज्यादा रहे तो उसको वेट करना होगा मॉइस्चर ऐड करके, अगर ज्यादा वेट रहे तो उसको ड्राई करना होगा ड्राई सैंड यूज करके, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉपर टेम्परिंग करना होगा बिफोर इट इज यू गोइंग टू यूज इट, ओके। नेक्स्ट है सैंड कंडीशनिंग, ठीक है। न्यू सैंड एज वेल एज यूज सैंड मस्ट बी कंडीशन। अब यूज करने से पहले सैंड को दोबारा कंडीशन आपको करना होगा, ओके। प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग एकॉम्प्लिसेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर्स अराउंड द सैंड ग्रेन्स। ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज जो होता है, मॉलिक्यूल ग्रेन साइज, ग्रेन स्ट्रक्चर सैंड का, वो बराबर से मोल्ड बॉक्स के अंदर वो फैलता है और बराबर बराबर से बॉन्डिंग क्रिएट करता है, अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट को सही से उसको स्टेबल रखता है। एलिमिनेट्स द फॉरेन पार्टिकल्स, तो फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है, जो अनकंटेमिनेट पार्टिकल्स, जो जिसको मतलब नहीं चाहिए होता है, वो पार्टिकल्स को एलिमिनेट करता है सैंड कंडीशनिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सैंड। टेस्टिंग ऑफ सैंड क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन प्रोग्रेसिव फाउंड्रीज इट इज रिकॉग्नाइज दैट द फाउंड्री सैंड डिजर्व्स एज मच अटेंशन एज द कास्टिंग मेटल। आप फाउंड्री शॉप में सबसे ज्यादा जैसे कास्टिंग मेटल को जैसे आप ध्यान दे रहे हैं, उतना ही ध्यान, उससे ज्यादा ध्यान आपको सैंड के ऊपर देना होगा, क्योंकि जब मेटल पोर कर रहे होते हैं आप, उस समय सैंड अगर फेल कर गया तो पूरा कास्टिंग मेटल भी आपका फेल कर जाएगा, मतलब कास्टिंग भी आपका खराब हो जाएगा। सबसे पहले जो अहम मुद्दा और अहम जो मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है वो सैंड आता है, मोल्डिंग सैंड, ओके। द फाउंड्री सैंड मेक अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिनिश कास्टिंग। अगर तीन भाग आपका जो कॉस्ट पड़ता है, थर्ड टाइम्स अगर कॉस्ट ज्यादा कॉस्ट पड़ता है आपका टोटल प्रोसेस में, उसमें एक भाग आपका सैंड पे जाता है, ठीक है। दिस टेस्ट में भी आइदर केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का कर सकते हैं। टेस्ट में, टेस्टिंग ऑफ सैंड में केमिकली हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है। तो केमिकल सैंड में क्या होता है, अनडिटरमाइंड अनडिजर्वेबल एलिमेंट इन द सैंड। सैंड के अंदर कुछ अनडिजर्वेबल जो नहीं चाहिए होता है, उस अगर एलिमेंट्स को अवॉइड करना, उसको हटा देना और उसको टेस्ट करके निकाल के उसको फाइंड आउट करना होता है केमिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट के अंदर जो आता है, जो हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या है, ग्रेन फिटनेस। ग्रेन फिटनेस सबसे पहले डिस्कस करें, ग्रेन फिटनेस क्या होता है। ग्रेन साइज ऑफ द सैंड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर कॉल्ड ग्रेन फिटनेस नंबर। ग्रेन फिटनेस नंबर से इसको ग्रेन फिटनेस डिटरमाइंड किया जाता है। दैट इंडिकेट्स द एवरेज साइज एज वेल एज प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर ग्रेन स्ट्रक्चर इन द मिक्सचर। जो सैंड का ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो डिफाइन करता है, ठीक है, ये ग्रेन फिटनेस में वो आपको चेक करना होता है कैसा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बॉन्डिंग कैसा होगा क्या नहीं होगा, मॉलिकुलर बॉन्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट क्या, द टेस्ट इज परफॉर्म बाय ड्राइंग 50 ग्राम्स ऑफ मॉइस्ट सैंड बिटवीन 105 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए हीटेड ओवन। एक ओवन में इसको ड्राई किया जाता है, हीट किया जाता है 50 ग्राम सैंड को लेके, मॉइस्ट सैंड को लेके ड्राई किया जाता है, ठीक है, तब तक जब तक वो ड्राई प्रॉपरली ना हो जाए। एंड कूल्ड किसमें किया जाता है, रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक रूम टेम्परेचर होता है उसमें उसको कूल किया जाता है 50 ग्राम्स ऑफ सैंड को। देन वेटिंग द ड्राई सैंपल, उसके बाद उसको वेट किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्ट सैंड, जो पहले था मॉइस्ट सैंड का जो वेट था, एंड ड्राई वेट, ड्राई सैंड वेट ऑफ द सैंपल इन ग्राम्स इज डिवाइडेड बाय 50 ग्राम्स गिव्स द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट इन द गिवन सैंड, ठीक है। उसके बाद जो 50 ग्राम से उसको डिवाइड करने के बाद जो वेट निकलता है, वेरी करने के बाद डिफरेंस जो निकलता है, उसके बाद 50 ग्राम उसको 50 ग्राम से इसको डिवाइड किया जाता है, विस परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो फिर निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्ले कंटेंट टेस्ट। द टेस्ट मेथड, इसमें भी एक ये बहुत अहम रोल प्ले करता है क्ले कंटेंट टेस्ट। द मेथड ऑफ डिटरमाइन द क्ले कंटेंट इन द मोल्डिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ एक्साइटिंग द सैंड। एक्चुअली उसको घुमाया जाता है या फिर एक्साइट किया जाता है सैंड को एक वाटर के अंदर, एंड एज टू सेपरेट द क्ले फ्रॉम द सैंड पार्टिकल्स। सेपरेट करने का एक तरीका है, ठीक है। देन रिमूविंग द क्ले व्हिच सस्पेंडेड इन वाटर,
फिर जो वाटर में सस्पेंड हो जाता है, अलग हो जाता है, या फिर वो बैठ जाता है, उसको फिर उस तरीके से रिमूव किया जाता है वाटर से। द मेटेरियल हुइच फेल्स, ये लाइन आप ध्यान से सुन लीजिए और इसको देख लीजिएगा। द मेटेरियल हुइच फेल्स टू सेटल विद इन ए पीरियड ऑफ 5 मिनट इन डिस्टिल वाटर एट रूम टेम्परेचर इज डिजिग्नेटेड एज ए क्ले सब्सटेंट। ठीक है, जो मेटेरियल आप 5 मिनट में मतलब फेल हो जाता है, मतलब सेटल होने में फेल हो जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में, वो क्ले सब्सटेंट के तौर पे कहलाता है, वो डेजिग्नेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है परमिबिलिटी टेस्ट। परमिबिलिटी इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट विल पास थ्रू ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ द सैंड अंडर ए गिवन प्रेशर इन प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, परमिबिलिटी पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एक एक प्रॉपर्टी है सैंड का, जिसमें उसका जो हॉट गैसेस क्रिएट होता है, कास्टिंग मेटल, मोल्टन मेटल जब पोर करते हैं तो उसको कितना इजीली वो पास कर पाता है, उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, वो डिपेंड करता है, वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इन द परमिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो वो मेजर किया जा रहा था। परमिबिलिटी अपैरेटस यूजेस द स्टैंडर्ड रैम्ड सैंड 5.08 सेंटीमीटर डायमीटर। एक स्पेसिमिन, उसका रैम्ड किया हुआ सैंड का एक स्पेसिमिन लिया जाता है जो कि 5.08 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, बाई डायमीटर इन 5.08 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो द 5.08 सेंटीमीटर ऑफ द टेस्ट पीस। ठीक है, इसमें इस टेस्ट पीस के जरिए परमिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। सेवरल टेस्ट हैव बीन डिवाइस टू टेस्ट द होल्डिंग पावर ऑफ वेरियस बॉन्डिंग पावर इन ग्रीन एंड ड्राई सैंड। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को जानने के लिए बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, ग्रीन सैंड में हो चाहे ड्राई सैंड में हो। ठीक है, सेवरल टेस्ट भी आप उसमें परफॉर्म किया जाता है। उसी तरह कंप्रेशन टेस्ट इज द आर द मोस्ट कॉमन टेस्ट, ऑल दो टेंशन सीयर एंड ट्रैवर्स टेस्ट आर डन। तो ये कंप्रेशन टेस्ट भी एक टेस्ट है सैंड का, जिसमें कंप्रेस्ड करके कितना कंप्रेस करने के बाद कितना वो उसमें डिफॉर्म नहीं होता है, फिर अपना रैम किया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो नहीं खोता है। ठीक है, वो अगर डिस्टोर हो जाता है तब मतलब वो उसके आगे वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, उसके आगे उसका कंप्रेशन फेलियर हो जाता है। तो उसके पहले तक, डिस्टोर होने से पहले तक जितना वो सह लेता है सैंड, कंप्रेशन अगर सह लेता है तो उसे वही हो गया आपका कंप्रेशन स्ट्रेंथ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है मोल्ड एंड कोर हार्डनेस टेस्ट। द टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय मोल्ड हार्डनेस टेस्टर इन द फाउंड्री टू डिटरमाइन हाउ हार्ड ए मोल्ड हैज बीन रैम्ड। कितना अच्छा से उसको रैम्ड किए हैं, कितना अच्छे से उसको मोल्ड का सैंड को रैम्ड किए हैं, तो मोल्ड हार्डनेस टेस्टर से उसको टेस्ट किया जाता है। किससे टेस्ट किया जाता है? मोल्ड हार्डनेस टेस्टर, इससे आपको उसको टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इन द फाउंड्री टू डिटरमिन हाउ हार्ड ए मोल्ड हैज बीन रैम्ड। द टेस्टर इज अबाउट इन साइज ऑफ ए पॉकेट वॉच, एक पॉकेट में समाने वाला घड़ी के तरह साइज का ही होता है। एंड द हार्डनेस टेस्ट कैन बी मेड विद इन अ फ्यू सेकेंड। जो टेस्ट होता है कुछ एक फ्यू सेकेंड के अंदर, अबाउट 5 to 30 सेकेंड के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं टेस्ट को। ओके, नेक्स्ट जो होता है, जिसका सैंड मोल्डिंग का एक प्रोसेस का जो स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप्स जो है आपका फॉर्मिंग कैविटी, कैविटी फॉर्म करना। ठीक है, आप सैंड तो प्रिपेयर कर लिए, सैंड को रैम्ड भी कर लिए, उसके बाद फॉर्मिंग कैविटी, कैविटी को आपको फॉर्म करना होगा। कैविटी इज बीइंग फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न पीस एंड द डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द पैटर्न अचीव्ड। तो अब यहां पे देख पा रहे हैं कि जो कैविटी यहां पे फॉर्म किया हुआ, एक कोप पार्ट है, एक ड्रैग पार्ट है, मेंशन नहीं है कौन सा कोप पार्ट, लेकिन आपको जानना होगा नीचे वाला जो पार्ट रहता है, नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसी को कोप पार्ट बोलेंगे, एंड जो अपर पार्ट रहता है उसी को ड्रैग पार्ट, सॉरी उसके नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको ड्रैग पार्ट बोलेंगे, जो अपर पार्ट रहता है, अपर पोर्शन रहता है उसको कोप पार्ट बोलेंगे। दिस इज द गाइडेड पिन, यू कैन सी हियर, दिस इज द गाइडेड पिन जो कि इसके अंदर, इस होल के अंदर वो इंसर्ट होता है, जब गाइड होके वो मैच करता है दोनों पार्ट, ड्रैग एंड कोप पार्ट। ड्रैग तो फिर नीचे रहता है और कोप पार्ट के ऊपर में उसको रिवॉल्व किया जाता है 180 डिग्री में, और फिर ड्रैग के ऊपर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैविटी देख पा रहे हैं, कैविटी फिर पैटर्न, पैटर्न बनाकर, पैटर्न जो आपने सबसे पहले पैटर्न जो बनाया है उसको
रैम सैंड सैंड के अंदर रैम सैंड के ऊपर रख के उसको स्ट्राइक करके या फिर वैसे ही पैटर्न के जैसे ही आपको कैविटी फॉर्म करना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले जब आप मानिए ड्रैग पार्ट सबसे पहले बना लिए, ड्रैग पार्ट आपने फॉर्म कर लिए, ओके, ट्रैक पार्ट में सैंड भर लिए, रैम कर लिए, उसके बाद अब क्या करना होता है, जो कोप पार्ट आप करने जाएंगे तो ड्रैग पार्ट के ऊपर आपको पैटर्न रो रहा, पैटर्न जो आप जिसका कास्टिंग बनाने जा रहे हैं आप, उस पैटर्न को आप ड्रैग पार्ट के ऊपर रख देना होता है। ठीक है, यहाँ पे मानिए पैटर्न के ऊपर ड्रैग पार्ट के, ये ड्रैग पार्ट है, ड्रैग पार्ट के ऊपर आप कास्टिंग पैटर्न को रख दिए, रखने के बाद ऐसे छोड़ देंगे, कुछ हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद कोप पार्ट को उसके ऊपर कोप बॉक्स, ठीक है, जो कि मोल्ड बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स को उसमें जो कोप पार्ट रहता है उसमें सैंड भराया नहीं जाता है पहले, उसके उसको पहले मैच किया जाता है, जो गाइडेड पिन है इसमें लगा के और मैच के ऊपर उसको बॉक्स को क्लोज किया जाता है। उसके बाद ही जो कोप पार्ट का जो अपर पोर्शन है उसमें सैंड भराया जाता है, प्रॉपर रैम किया जाता है। तब क्या होता है, अंदर पैटर्न रह जाता है और सैंड रैम होने के बाद कोप पार्ट को फिर से उठाया जाता है और पैटर्न को निकाला जाता है, फिर जो आपका कैविटी आता है उसमें मोल्टन मेटल पोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पोरिंग मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल को पोर आप करने का बारी है। द मोल्टन मेटल इज देन पोर्ड इन टू द कैविटी थ्रू स्क्रू पाइप एंड रनर एंड गेटिंग सिस्टम। तो ये सब की मदद से स्क्रू पाइप जो होता है, स्क्रू पाइप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका मोल्टन मेटल है, लैडर, लैडल जो लैडर भी बोलेंगे, लैडल भी बोलेंगे, स्क्रू पाइप यहाँ पे है, स्क्रू पाइप की मदद से जो कि गेटिंग सिस्टम के अंदर से जा रहा है मोल्टन मेटल टू द कैविटी, इन टू द कैविटी, ये पोरिंग बेसिन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो रनर की मदद से स्क्रू पाइप, देन रनर एंड देन गेटिंग सिस्टम की मदद से आप कास्टिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, ये भी एक स्टेप्स है। एंड लास्ट स्टेप्स आर द सॉलिडिफाइज कास्टिंग एंड टेकिंग आउट फ्रॉम मोल्ड। तो जब अब मोल्टन मेटल को पोर करना हो गया, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फ्यू टाइम्स मोल्टन मेटल इज सॉलिडिफाइज एंड टेकिंग आउट फ्रॉम द मोल्ड कैविटी बाय ब्रेकिंग इट और पार्टिंग द मोल्ड। तो जब सॉलिडिफाई हो जाता है मोल्टन मेटल ढालने के बाद कैविटी के अंदर, तो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाने के बाद उसको फिर आप ये तो मोल्ड को तोड़ के निकाल सकते हैं, या तो फिर कोप पार्ट को निकाल के उसको धीरे से आप टोंग के मदद से, टोंग पकड़ के, उस टोंग से पकड़ के उसको कास्टिंग को निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एज द मोल्डर कैन विश। ठीक है, ये हो गया, दीज आर द प्रोसेस स्टेप्स इन द सैंड मोल्डिंग। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इंट्रीकेसी आप इजिली समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो, कंफ्यूजन रहे, तो आप इजिली हमको फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।